our next chapter, chapter 10, The Field Mouse and the Town Mouse. इस चैप्टर में हम टाउन माउस और फील्ड माउस की एक स्टोरी को देखेंगे. सो यू ओपन योर इंग्लिश रीडर बुक. लेट अस स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर. हियर आर सम फूड आइटम्स. यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स के पिक्चर्स दिखाए गए हैं. सम ऑफ देम आर कॉल्ड जंक फूड एंड आर नॉट कंसाइडर हेल्दी टू ईट. यहाँ पर कुछ फूड्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड. यहाँ पर कुछ हेल्दी फूड्स और कुछ अनहेल्दी फूड्स के पिक्चर बनाए गए हैं, जिसमें से आप सभी को हेल्दी फूड्स और अनहेल्दी फूड्स को फाइंड आउट करके उसके नीचे लिखना है. सर्किल देम, और यहाँ पर जो अनहेल्दी फूड्स है उसे आप सभी सर्कल करेंगे. आप सभी जानते हैं हेल्दी फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क फूड आइटम आते हैं, और अनहेल्दी फूड्स में जैसे नूडल्स, चाउमीन, बर्गर, चॉकलेट, इस तरह के जो भी आइटम होते हैं वो सभी अनहेल्दी फूड में आते हैं. राइट द नेम्स ऑफ द हेल्दी फूड दैट यू ईट. यहाँ पर आपको उन हेल्दी फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जिन्हें आप खाते हैं. राइट द नेम्स ऑफ द अनहेल्दी फूड्स दैट यू समटाइम ईट्स. और यहाँ आप उन अनहेल्दी फूड आइटम्स के नाम लिखेंगे जिसे आप सभी कभी कभी खाते हैं. वंस अ फील्ड माउस हैड अ फ्रेंड हु लिव्ड इन टाउन. फील्ड माउस, फील्ड मतलब मैदान. मैदानी चूहे का एक दोस्त जो था वो शहर में रहता था. वन डे द फील्ड माउस इनवाइटेड द टाउन माउस फॉर डिनर. एक दिन फील्ड माउस ने टाउन माउस को अपने घर डिनर पर बुलाया. द फील्ड माउस गेव द टाउन माउस अ मील ऑफ कॉर्न एंड वीट. जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उससे तरह तरह की चीजें देते हैं खाने के लिए, उसी तरह से जब फील्ड माउस के घर टाउन माउस आया तो फील्ड माउस ने उसे मक्का और गेहूं खाने के लिए दिया. डू यू नो फील्ड माउस सेड द टाउन माउस. टाउन माउस ने कहा क्या तुम जानते हो फील्ड माउस. दैट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स एट होम. मेरे घर में खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं. कम टू माई हाउस टुमारो. कल तुम मेरे घर आना. द फील्ड माउस वेंट टू द हाउस ऑफ द टाउन माउस द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन मैदानी जो चूहा था यानी फील्ड माउस टाउन माउस के घर जाता है. द टाउन माउस शो द फील्ड माउस द किचन. टाउन माउस फील्ड माउस को अपने घर का किचन दिखाता है. There were pizza, cake, noodles and burfi. और वहाँ किचन में पिज्जा, केक, बर्फी और नूडल्स थे. The field mouse ate, drank and was very merry. Field mouse ने खाया, पिया और बहुत ही खुश हुआ. But as they ate cheese, लेकिन जब वो चीज खा रहा था, the master of the ओपन द डोर. जब वह चीज खा रहा था तो उस घर के मालिक ने किचन के डोर को खोला. द टाउन माउस एंड द फील्ड माउस रैन इन फियर. और जब उस घर के मालिक ने किचन के दरवाजे को खोला तो फील्ड माउस और टाउन माउस दोनों ही डर से दौड़े. द मास्टर वेंट आउट ऑफ द किचन. इसके बाद क्या हुआ, जो घर का मालिक था वो किचन से बाहर चला गया. द फील्ड माउस एंड द टाउन माउस सेट डाउन टू ईट चीज अगेन. उसके बाद फील्ड माउस और टाउन माउस बैठ गए और फिर से उन्होंने चीज को खाना शुरू कर दिया. बट एज दे एट, लेकिन जब वो खा रहे थे, अ मेड कम टू गेट हनी. फिर उस घर की जो नौकरानी थी वो किचन में हनी को लेने आई. When they saw her, they
रहने के लिए चला गया। इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर 10 का एक्सप्लेनेशन